अंग्रेज जमाने में भारतीय जनमानस के तीव्र आक्रोश था। बड़ी संख्या में भारत के सैनिक अंग्रेजी सेना में थे, उनमें भी सरकार के प्रति विद्रोह की भावना थी तथा यही क्रोध 1857 की क्रांति के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य को झेलना पड़ा। स्त्री पुरुष, सरकारी कर्मचारी, सैनिक, विद्यार्थी, सभी वर्गों के लोगों ने पहली बार संगठित रूप से अपने हक की आवाज उठाई और आगे चलकर प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कहलाया। आज हम उनके जीवन इतिहास को जानेंगे। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के शाही उज्जैनिया राजपूत परिवार में जन्म लेने वाले भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका जन्म 23 अप्रैल 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। बिहार में 1857 की क्रांति की बागडोर कुंवर सिंह के पास थी। वे स्वतंत्रता सेनानियों के मुख्य बैंड के रूप में 80 वर्ष की वृद्धावस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध साहस के साथ विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। राजा साहबजादा सिंह और रानी पंचरत्न देवी के घर बिहार राज्य के शाहबाद के परमार शाही घराने से संबंध रखते थे। कुंवर सिंह का पूरा परिवार अपने वतन की स्वतंत्रता के लिए लड्डी डीएच रहा था। इनके छोटे भाई अमर सिंह, दयालु सिंह और राजपति सिंह तथा बाबू उदवंत सिंह, उमराव सिंह तथा गजराज सिंह भी उन्हीं के परिवार के लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग जारी रखी। इनका विवाह महाराणा प्रताप के वंशज एवं मेवात के सिसोदिया वंशज राजा फतेह नारियां सिंह की पुत्री के साथ संपन्न हुआ, जो बिहार में जमींदार थे। 1857 के सेपॉय विद्रोह में कुंवर सिंह ने अग्रणी भूमिका निभाई। जब मेरठ से क्रांति का बिगुल बजा तो जंगल की ज्वाला की भांति यह संदेश बिहार और संपूर्ण भारत में तेजी से फैल गया। हर ओर से एक नेतृत्व को लेकर लोग ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह करने लगे। बिहार के लोगों ने वीर कुंवर सिंह को ही अपनी नेता चुना। उनकी आयु 80 के पार होने के बाद भी उनका साहस व धैर्य कतई कम नहीं है। कुंवर सिंह एक बुद्धिमान एवं चतुर व्यक्ति थे। अपनी चतुरता और सूझबूझ के कारण ही एक बार कुंवर सिंह जी को गंगा पार करनी थी, पर अंग्रेजी सरकार उनके पीछे लगी थी। उन्हें बचने के लिए इन्होंने ये अफवाह उड़ा दी कि वे बलिया से हाथियों पर अपनी सेना के साथ नदी पार करेंगे, परंतु किया इसका उल्टा। उन्होंने शिवराजपुर से नदी पार कर ली और अंग्रेजों को मूर्ख बना दिया था। छापामार युद्ध में उनका कोई सानी नहीं था। बिहार में कुंवर सिंह ब्रिटिश सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 5 जुलाई के दिन दानापुर में विद्रोह किया। इसके बाद क्रांतिकारी जगदीशपुर की तरफ बढ़े तथा 2 दिन में ही वहां पर भी कब्जा कर लिया। मगर अंग्रेजी सेना ने धोखे से कुंवर सिंह को पराजित कर नगर को पूरी तरह तबाह कर दिया। सितंबर माह में कुंवर सिंह को अपना गांव छोड़कर लखनऊ आना पड़ा। मार्च 1858 में उन्होंने आजमगढ़ को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्त करा दिया, मगर कुछ ही समय बाद उन्हें यहां से वापस बिहार जाना पड़ा। बिहार जाकर सिंह ने जगदीशपुर में अंग्रेजों से लोहा लिया। यह उनकी आखिरी लड़ाई साबित हुई। 2 दिन तक चले संग्राम में कुंवर सिंह का वृद्ध शरीर जवाब देने लगा। शरीर घावों से भर गया, मगर उन्होंने अपना संपूर्ण साहस जगाया और किले पर लगे यूनियन जैक को उतारकर तिरंगा फहरा दिया। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में वीर कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।